नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैचल में। मेरा नाम ऋषि राज, किस वीडियो में बात करने वाले हैं अग्निवीर इंडियन आर्मी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से आप लोग का जो अग्निवीर की बहाली होने वाली है उसका ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू कर दिया गया है। अभी आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे दोस्तों इंडियन आर्मी में जो बहाली होने वाला है ये आप लोग का यहाँ पे रैली सबसे पहले होने वाला है और ये आप लोग का सर्कल वाइज यहाँ पे बहाली होने वाला है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप लोग का सर्कल वाइज यहाँ पे जो आवेदन है वहाँ पे लिया जाएगा। मान सकते हैं कि आप लोग का कोई राज्य है तो उस राज्य के कुछ ही जिलों में आप लोग का यहाँ पे आवेदन शुरू किया जाएगा और इस तरीके से जो आप लोग का सर्कल बांटा जाएगा और उसी सर्कल के हिसाब से आप लोग का यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ जहां से कि आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे आप नीचे आइए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को जो है कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, जेसीओ और इनरोलमेंट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, जेसीओ और अग्निपथ एंट्री यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का होगा क्या कि आपके सर्कल में अगर यहाँ पे आप लोग का आवेदन शुरू हुआ है तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा और उस सर्कल में कौन कौन सा यहाँ पे जो है आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन आवेदन होने वाला है उसका आप लोग का लिस्ट यहां पे जारी होगा और उसी हिसाब से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। फिलहाल अभी आप लोग का जो है 5-6 सर्कल में आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग का बिहार का है उसका भी आप लोग का एक सर्कल अलग होता है, यूपी का अलग सर्कल होता है। तो इस तरीके से आप लोग का सर्कल वाइज यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अगर उस सर्कल का यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई शुरू हुआ होगा और उस सर्कल में आपका जिला का नाम रहता है तो ही आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाओ कि मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोग को इस वेबसाइट पे आने के लिए करना क्या है, आपको जो अपने गूगल में टाइप करना है YTDC, सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अग्निवीर आप लोग को लिखना है। यहाँ पे आप अग्निवीर जैसे ही आप लिख के सर्च करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का नेवी वाला देखने को मिलेगा और नीचे आप लोग का जो यहाँ पे आर्मी वाला है वो देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का पोस्ट ओपन हो जाएगा, आपको सबसे नीचे चले आना है। यहाँ पे आप लोग को जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, क्लिक यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके सर्कल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर देगा कि अभी जो है किस किस सर्कल का ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे शुरू किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग का रैली नोटिफिकेशन 2022-23 ARO औरंगाबाद यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला है। तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का जो PDF है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी स्टेडियम में आप लोग का ये रैली होने वाला है और यहाँ पे आप लोग का जो रैली होने वाला है वो 13 अगस्त से लेकर आप लोग का 8 सितंबर तक यहाँ पे जो रैली होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का पूरा जानकारी दिया है कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ के लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का पूरा जानकारी दिया गया कि कौन कौन सा यहाँ पे आप लोग का पद होने वाला है, जिसे यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग का अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन का बहाली होने वाला है और यहाँ पे 10th और 8th पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। उसी तरीके से आप लोग का और भी यहाँ पे रैली के बारे में जानकारी दिया गया, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग यहाँ पे पुणे का रैली होने वाला है, बेंगलोर रैली का यहाँ पे जो आप लोग का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग का जो है हमीरपुर का यहाँ पे जो है रैली का जो आप लोग का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा और इसको यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो है इसमें जिला पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है और उस हिसाब से आप लोग को जो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई है वो यहाँ पे करना होगा। तो मान लीजिए कि मैंने जो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप लोग जो है कहाँ कहाँ से आते हैं तो आप अप्लाई कर पाइएगा। पूरा आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप लोग का पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आप लोग का सर्कल है दोस्तों ये आप लोग का कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे तमिलनाडु का है, तो ये बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोग का बहुत सारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यही लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे होम पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग को करना क्या है, ऊपर ही आप लोग का अग्निपथ का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को एलिजिबिलिटी चेक करना है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो राज्य होगा वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बिहार से हूँ तो बिहार में सेलेक्ट कर देता हूँ और बिहार का जो सर्कल पड़ता है दोस्तों वो दानापुर यहाँ पे पड़ता है। आप यहाँ पे देख लीजिए दानापुर सर्कल के लिए अगर आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है, मेरा जम्मू ही पड़ता है तो मैं जम्मू यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तहसील आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो हाइट है वो आप लोग को बताना है कि आपका हाइट कितना सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे बता देना। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन बताना है, जेंडर यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का पास है या फिर आप जो अपेयरिंग है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे मार्शियल स्ट्रेस आप लोग का बताना है, तो यहाँ पे आप लोग जो भी रहिएगा वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को यस नो करना है, तो यहाँ पे नो आप लोग को कर देना। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर इनमें से कोई कैटेगरी से आते तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते। उसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है, आपको पता चल जाएगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से अग्निपथ पे आना और यहाँ पे सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे आना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट करना है। मेरा जो यहाँ पे बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट आईडी जो होगा वो आप लोग को यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। कैंडिडेट का नाम डालना है, जो आप लोग का 10th मार्कशीट पे होगा वो नाम आप लोग को यहाँ पे डालना है। फादर का नाम डालना है, मदर नेम डालना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो देखने को मिला ये कैप्चा आपको डालकर सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं जो सारा कुछ फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आप लोग का जो पर्सनल डिटेल होगा वो यहाँ पे आप लोग का शो कर देगा। शो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक कर बदलाव जो है आप यहाँ पे कर पाइएगा। उसको दोस्तों यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों सबसे पहले नीचे आप लोग यहाँ पे शो करेगा कि आप इलिजिबल हैं या फिर नहीं है। यहाँ पे आप लोग बता दोस्तों यू आर नॉट इलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल एंड दोस्तों यहाँ पे जो है आप एज क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे इलिजिबल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अगर आप लोग यहाँ पे इलिजिबल होते हैं तो आप लोग यहाँ पे जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा, कोई भी आप लोग का दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब मेरा प्रोफाइल यहाँ पे जो है इलिजिबल नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो है इस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपने जो अप्लाई किया होगा वो आप यहाँ पे चेक कर पाइएगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। अब जब भी यहाँ पे बिहार में आएगा तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और किसी दूसरे का यहाँ पे प्रोफाइल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, लेकिन मैंने आप लोग को पूरा जानकारी यहाँ पे दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया, वीडियो को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।